व तसेच देगलूर तालुक्यातील ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातमीपत्रासाठी आजच आमच्या ताजा हालात न्यूज लाईव्ह या चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा। नमस्कार, मी तेजस्विनी गायकवाड, ताजा हालात न्यूज लाईव्ह मध्ये आपले स्वागत। आपण पाहत आहात ताजा हालात न्यूज लाईव्ह। देगलूर शहरातील ईदगाह मैदानावर कैलासवासी सय्यद निसार मित्र परिवाराच्या वतीने इफ्तार पार्टीचे आयोजन। देगलूर शहरात असलेल्या ईदगाह मैदानावर कैलासवासी सय्यद निसार मित्र परिवाराच्या वतीने इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते। ईदगाह मैदानावर इफ्तार पार्टीच्या निमित्ताने जी गर्दी झाली होती, ती गर्दी कैलासवासी सय्यद निसार यांच्यावर जीवापाड प्रेम करणाऱ्या जनतेची होती। कैलासवासी निसार सय्यद हे एक इमानदार नगरसेवक होते। त्यांनी त्यांच्या वार्डाचा विकास तर केलाच, तसेच ते सर्वांच्या सुखदुःखात सामील व्हायचे। असे म्हणतात की जो सगळ्यांना प्रिय असतो तोच देवाला प्रिय होतो, म्हणूनच अल्लाने त्यांना लवकर बोलवले असावे। तरुणांच्या मनावर राज्य करणारे निसार सय्यद यांच्या स्मरणार्थ त्यांच्या मित्रपरिवाराने या इफ्तार पार्टीचे आयोजन केले होते। देगलूर शहरात प्रथमच एवढ्या मोठ्या इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमात सर्व जाती धर्माचे सर्व पक्षाचे लोक सहभागी झाले होते। हे फक्त सय्यद निसार यांच्यावर असलेल्या प्रेमामुळे शक्य झाले। सगळ्यांना सामावून घेणारे, सगळ्यांशी प्रेमाने वागणारे, संकटात धावून येणारे माननीय कैलासवासी सय्यद निसार यांच्या आत्म्याला शांती मिळो, हीच अल्लाकडे प्रार्थना। ताजा हालात न्यूज ब्युरो, नांदेड। पवित्र रमजान दिनानिमित्त निसारभाई मित्रमंडळ यांच्याकडून आज ईदगाह मैदानावर या ठिकाणी इफ्तार पार्टी करण्यात आलेली आहे। या ठिकाणी सर्व मुस्लिम बांधव व या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व माझे मित्र या ठिकाणी उपस्थित राहिले। रमजान दिनानिमित्त सर्व मुस्लिम बांधवांना व सर्वांना शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज सय्यद निसार यांच्या मित्रमंडळाच्या वतीनं ईदगाह मैदान येथे इफ्तार पार्टीचं आयोजन केलं होतं। अतिशय सुंदर असा कार्यक्रम होता। सर्व पक्षीय सर्वधर्मीय कार्यकर्ते येथे एकत्र आले होते। आता हा रमजान महिन्याचा आज 27वा रोजा होता। लवकरच ईद येणार आहे। त्या रमजान ईदबद्दल मी सर्व मुस्लिम बांधवांना, देगलूर शहरवासियांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। मैं सबसे पहले तो सय्यद निसार जो हमारे देगलूर शहर के नगर सेवक थे, उनको एक राजकीय वारसा था। उनको उनके जो वाली साहब थे महमूद सेठ, उन्होंने भी देगलूर शहर के अंदर बहुत अच्छा राजकारण किए। और उसके बाद जो है ना, निसार भाई जो है ना बहुत अच्छा राजकारण किए देगलूर शहर के अंदर। अब वो कुदरत को क्या मंजूर था, जैसा इंतकाल हो गया। और उन्होंने जो परंपरा जो कायम रखी थी यहाँ पे, हमारे इफ्तार पार्टी का जो एहतमाम किए और सभी लोगों को, सभी जाति धर्म के सभी पक्ष के लोगों को बुलाकर सबका मान सम्मान किए, मैं जो है ना निसार भाई को तहे दिल से खराज अकदत पेश करता हूँ। निसार भाई माझ्यासाठी लहान भावासारखे होते। मी त्यांच्यासाठी एवढंच म्हणेन की जो आवडेल के सभी आप देख सकते हैं कि ईदगाह पर आज इतना बड़े पैमाने पे आज प्रोग्राम रखा गया था और पूरे समाज के देगलूर शहर यहाँ जन उमड़ा था। और आज मेरे साथ बारी भाई जो निसार भाई के भाई है, वो आज मेरे साथ है। निसार भाई आज जाके अपने से एक साल हो चुका बारी भाई, और आज देगलूर शहर की जनता में आज भी निसार भाई ख्यालात में है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले तो मेरी आवाज़ चैनल और हालात चैनल और TV9 ये चैनलों का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने यहाँ पर आकर हिंदू मुस्लिम यकजहती को जिस तरीके से और जिस अंदाज से पेश किया है, मैं ये समझता हूँ कि इसकी नज़ीर देगलूर में आज तक भी नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह, निसार भाई और उनका जो मित्र मंडल है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज वो सब लोग मिलकर जिस यकजहती को कामयाब बनाया,
अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ और मैं तमाम दिगलूर के अपने भाइयों से और अपने बुजुर्गों से ये कहना चाहता हूँ कि आज की जो बेहतरीन आज निसार भाई मित्र मंडल की ओर से जो कारकर्दगी बताई गई, इंशाअल्लाह ये हर साल ऐसे ही जो है सो इससे और अच्छी तरीके से हम हिंदू मुस्लिम यकजहती को दिगलूर नांदेड़ जिला और पूरे मुल्क में ये बताएंगे कि यकजहती